आज इवेंट के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए और हमारी कंपनी को एक माध्यम आपका है जो आपके माध्यम के जरिए से हम पब्लिक तक अपना संदेश देना चाहते हैं और हम उत्तर भारतीयों को अपना वो संदेश देना चाहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं या हमारा एक जो मिशन है यहाँ आने का कि जो भी हमारे गरीब तबके के भाई हैं यहाँ पे जो भी गाड़ी चला रहे हैं ठेला चला रहे हैं या जो भी छोटा काम कर रहे हैं हम उनको वहां पर लखनऊ में जिनकी सोच होती है कि हम ले बट मेरे पास पैसा नहीं है हम उनको अगर एक विशेष सहायता करेंगे उनकी हम कि वो 2,000, 3,000, 4,000 रुपए भी अगर महीना हमको देते हैं तो हम उनको प्लाट देंगे कि वो अपना बना सके वहां पे। और बेसिकली हमारा आने का उद्देश्य यही है कि उत्तर भारतीय मुंबई में 80% हैं जो बहुत ही गरीब हैं बहुत ही परेशान हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में गंगोत्री ग्रुप के 2011 में इसको लॉन्च किया था और ऑलरेडी हमने 5 प्रोजेक्ट मार्केट में दे दिए हैं लोगों को बना के और हमारा ग्रुप एक ब्रांड है अपना लखनऊ का अपना एक ब्रांड है एक ऑनेस्ट ब्रांड है इसके बारे में कहीं से भी कोई भी पता कर सकता है क्या है। और सिर्फ एक यहां पर आने का उद्देश्य यह है कि जो भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनको हमारे ग्रुप से मैक्सिमम फायदा हो। मुंबई में कहां कहां पे प्रोजेक्ट आपके आ रहे हैं? और मुंबई में नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट आएगा पालघर में, पालघर वसई साइड में जहां पे नया डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर हम इसको लॉन्च करेंगे विद इन 1 मंथ हम इसको लॉन्च करेंगे। और कैसी तैयारियां हैं अगर लॉन्च भी करते हैं? मान लीजिए मुंबई बहुत ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे बहुत चूजी लोग होते हैं तो उसके लिए कैसी तैयारी की है? देखिए मेनली हमारा मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए रहेगा जो यहाँ पर लेना चाहते हैं जगह और अपर क्लास के लिए भी रहेगा। बनाऊंगा तो मैं सब बनाऊंगा और अच्छा बनाऊंगा और एक व्यवस्था में ऐसी रखूंगा कि विदाउट इंटरेस्ट उनको मैं 2 साल 3 साल में उसको प्रोवाइड कर दूं। ऐसी सुविधा पत्रकारों के लिए भी होगी कि आपके यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट नो डाउट हमारे पत्रकार बंधु इतना नहीं कमाते हैं कि वो अपना जगह खरीद सके और निश्चिंत होकर रहा हूं जो भी मीडिया से जुड़े लोग हैं जो हमको आगे बढ़ा रहे हैं निश्चिंत हम उनको वो जगह देंगे कहने की जरूरत नहीं होगी। विश ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए। सर बताएं क्या शुभकामनाएं होगा आपकी तरफ से गंगोत्री ग्रुप को? सबसे तो मीडिया बंधुओं में धन्यवाद देना चाहूंगा और गंगोत्री ग्रुप जो है 2011 में स्टैब्लिश हुई और बहुत मेहनत की गई इसको बनाने में, सभी का सहयोग भी है भाई बंधुओं का मेरे जो है। मुंबई की तरफ हम लोगों ने मूव किया है क्योंकि बहुत से हमारे उत्तर भारतीय यहाँ पे मेहनत करते हैं बट बेसिक नीड होती है रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़े की उनको मकान की व्यवस्था जमीन की व्यवस्था जो होनी चाहिए उस तरफ हमने प्रयास किया कि जो बहुत गरीब तबके का इंसान है वो जिंदगी भर मेहनत करता है बट वो एक व्यवस्था नहीं बना पाता ही जो बहुत मुख्य है तो उसको हमने जो है विशेष ध्यान दिया है क्योंकि गंगोत्री ग्रुप का मेन मोटो ही है कि हम अपर से लोअर क्लास तक सबका ध्यान दें तो उस पर विशेष फोकस है मिडिल क्लास और लोअर क्लास का। तो उनको वो व्यवस्था दी है हमने जो है कि EMI स्कीम भी दी है कि जो एक संग नहीं दे सकता है तो 2 साल से 8 साल 10 साल तक जो है उनकी EMI पे धीमे धीमे छोटी छोटी पेमेंट दे सकता है विदाउट एनी इंटरेस्ट। सर ये तो पहला आपकी बहुत अच्छी है तो इससे क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये है कि आदमी अपने लिए तो सब जीते हैं बट आपने भी कभी स्ट्रगल किया होगा और यही सोचता है कि हमारा एक मकान हो जाए एक घर हो जाए। हम आप जो भी हैं रोटी कपड़ा मकान मैंने आपसे पहले कहा मकान जो है सबसे बेसिक नीड होती है आप तो बॉम्बे में बेहतर जानते होंगे तो उस पर विशेष फोकस है कि उनको ये चीजें मैं प्रोवाइड कर सकूं। आपने लोगों के लिए मकान के बारे में सोचा ये सोच आपको आई कैसे लोगों के लिए? क्योंकि मैडम हम उस रास्ते से हम खुद गुजरे हैं मैं भी अपने स्टूडेंट रहती
निकला तो मैं जब बाहर से जाते थे तो कोई मकान किराए पे नहीं देता था, तो मन कहता था अपना मकान हो तो कितना अच्छा होगा। तो हम चाहते हैं कि आगे की जनरेशन पे या जो बाहर मेहनत कर रहे हैं उनके संग दिक्कतें ना हो। अब बजट हाउस बजट स्पेस उनको मिल जाए, क्योंकि सबसे पहले हम कहीं जाते हैं तो ये बेसिस फोकस होता है भाई कोई चीज अपने बजट में है कि नहीं है। बजट में नहीं है तो हम अपनी इच्छाओं को मारते हैं, मारना पड़े और उसको हम प्रोवाइड कर सके। मतलब कह सकते हैं कि आम पब्लिक के दर्द को आप अपने साथ लेके जी, जी 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 मतलब आम के दाम, आम के आम, गुठलियों के दाम। नहीं थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। यह है कि एक आम आदमी के लिए योजना है जो है, मतलब 100 रुपीज पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए दैट इज नथिंग जी, है ना। और जो गरीब तबका का लोग है वो तो दूसरों के लिए कमा के दे रहे हैं, बड़े लोग तो कहीं भी ले लेते हैं मकान, है ना। तो छोटे लोग जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, बम्बई में देखा जो चालों में बसे हुए हैं किस तरह से रह रहे हैं, जबकि पूरा बम्बई का एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो उनके बिना नहीं चल सकता। अगर वो हट जाए यहाँ से जो है तो मैं समझता हूँ कि काफी यहाँ के लोगों को दिक्कतें आएंगी जो है। चाहे जो बम्बई चल रही है जो है तो उसमें काफी योगदान है हमारे उत्तर भारतीयों का जो है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसको डिनाई भी नहीं कर सकता जो है। लेकिन उनके लिए यहाँ कोई सोचने वाला नहीं है, कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है तो आप उत्तर भारतीय हो, ये चीज बहुत गलत है जो है। वो सबके लिए जीते, आपके लिए तो जीते हैं तो उनके बारे में सोचना तो चाहिए जो है, मेरा तो अपना ऐसा मानना है। सर जो पहल सरकार ने की नहीं की वो आप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का नहीं, सरकार भी कर रही है, सबसे पहले सरकार ही कर रही है। हम लोग तो बहुत छोटे, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, मतलब बहुत उसे हमारा तो एक बहुत एक छोटी सी कोशिश है। सरकार ने तो बहुत बड़े पैमाने पे कर रही है जो, उनके सामने हमारा ये बहुत छोटा सा योगदान है जो, एक पहल है जो है। आप देखिए आप लोगों के सहयोग से और सबके लिए एक अच्छी चीज मिल सके, यही एक प्रयास है जो है। इसमें गवर्नमेंट को भी सपोर्ट मिल रहा है आपको? हम चाहते हैं कि उनका भी सपोर्ट मिले जो है, और कोशिश अब हमारे हैं डिपार्टमेंट के लोग जो है उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं लोग, ऐसा नहीं है जो है। उनकी तरफ से भी काफी सहयोग मिल रहा है, लोग आ ही रहे हैं, आप जैसे लोग देख ही रहे हैं। लोगों को पता तो चले कि भाई ऐसी भी योजना है, अभी तो लोगों को पता ही नहीं कि भाई ऐसी भी योजना है हमारे यहाँ जाए, इसलिए आप लोग आए जो, आप लोगों का ये जो है कि भाई सबके पास ये मैसेज पहुंचे जो है कि एक अच्छी चीज जो सबके लिए काम हो, जिंदगी का एक सपना, हमारा सपना सबका हो घर अपना जी जी है। सब यही चाहते हैं, सबके लिए ये चीज है। थैंक यू, ठीक है। Thank you so much.
बहुत ज्यादा इनको मैं दुआ करता हूँ कि इनका काम निर्गुणी राज्य बढ़े और इससे समाज के सभी खुशियों को से हमारी बात हुई, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक बिजनेस प्लस समाज के वो लोग जो नीडी हैं, जो एक साथ इतने पैसे दे करके प्लॉट्स नहीं ले सकते, प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, उन लोगों को कम ईएमआई पे और विदाउट इंटरेस्ट काम शुरू करने वाले, मैं उम्मीद करता हूं कि जो इनकी सोच है, जो इनकी नीयत है वो पूरी हो और यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे फायदा मिले और इनका बिजनेस अच्छी तरह चले, ये मैं दुआ करता हूँ और इसीलिए यहाँ आया हूँ। ये जवाबदारी आपकी थी, आपके कंधे की जवाबदारी इन्होंने हल्की कर दी, कैसा महसूस करें? नहीं, देखिए अच्छा है, वो जो लोग भी अच्छा काम करते हैं उन्हें मदद करना चाहिए, मैं उम्मीद करूंगा कि ये जरूर जिनको इनकी नीयत है उसी तरह अच्छा काम करेंगे और इस तरह से जो लोग काम करें हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए। सर बात करें जैसे कि आप हमें लड़ते हैं, उनके हर समय सुख दुख में आप साथ देते हैं, तो ये ऐसे में गंगोत्री ग्रुप आया है तो इनका कितना सहयोग आपको मिलेगा? नहीं, सहयोग तो पूरा तो करूंगा मैं, अभी तो बिजनेस मैन है, मैं तो भैया पॉलिटिकल आदमी हूँ, लेकिन मेरी तरफ से मैं पूरा जहाँ भी महाराष्ट्र सरकार में कोई जरूरत पड़ेगी 100% हम लोग खड़े रहेंगे। और समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है, हमारा कारपोरेशन में हमारा दबदबा है, हम असेंबली में है, काम करेंगे तो बिल्कुल अच्छी बात है। और सिर्फ उत्तर भारतीय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग मुंबई में है नीडी है उनको मदद होना चाहिए। अब खासतौर से हम लोग क्योंकि यूपी के रहने वाले हैं और जब यूपी वालों को यहाँ कोई सताता है, परेशान करता है, तो ऐसा लगता है कि जरा उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि ये किसी के बाप की स्टेट नहीं है, सब यहाँ रहने वाले चाहे मराठी हो, चाहे उत्तर भारतीय, पंजाबी, गुजराती, जो लोग ही मुंबई शहर में हैं, उन सब ने मिलकर के मुंबई शहर को डेवलप किया है, इसको विकसित किया है, इसलिए इसमें सबका खून शामिल है। चलते चलते एक आखिरी सवाल सर, भारत माता की जय, जिस प्रकार से वारिस पठान ने कहा कि मैं नहीं कहूंगा, देखिए ये सब जो है वोटों की राजनीति है, हम सब इस देश में रहते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल हरगिज नहीं लेना चाहिए कि कोई भारतवर्ष में रहकर भारतवर्ष के खिलाफ है। लोग चिढ़ा रहे हैं, लोग इसको एक इशू बना करके अपने वोटों को बंटवा रहे हैं, एक तरफ वगैरह हम नहीं कहेंगे, एक तरफ वगैरह आपको कहना पड़ेगा, तो एक अपना वोट बना रहा है, एक अपना वोट बना रहा है, इससे समाज के अंदर एक वो जो है अलगाववाद हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी इस देश में रहते हैं, हमें राजनीति में इतना ज्यादा नहीं गिर जाना चाहिए कि हम लोग एक लाइन खींच दें उसके अंदर, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और इस बात से जरूर हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक अलगाव पैदा हुआ है उसे दूर करना चाहिए, हम सबको ऐसी चीजें लाने नहीं चाहिए, ऐसे इश्यू बनाने की जरूरत ही नहीं। सपा का स्टैंड क्या है, भारत माता की जय कहना चाहिए या नहीं कहना? नहीं, देखिए इसमें कोई हरज नहीं है, सपा का स्टैंड क्या है, और मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति भारत माता की जय बोलने के लिए कोई इनकार कर रहा है, लेकिन आप मुझे व्यवस्थित पकड़ कहेंगे भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय बोलो, तो तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला भाई, मुझे पता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और इसके बोलने या न बोलने से कोई लगता नहीं कि कोई कोर्ट ने भी कह दिया कि इसके बोलने नहीं बोलने से कहीं कोई ये नहीं होता है कि कोई देशद्रोही हो जाता है, देशद्रोही के लिए नहीं है, सिर्फ ये चिल्लाने से नहीं होता, जरूर सरहदों पे चलो, जब जरूरत पड़ेगी तो सरहदों पे जो लोग जान देते हैं अपने वो पता चलता है वफादार कौन है, घर के अंदर बंगले में बैठ करके भारत माता की जय बोलना या वंदे मातरम कहना उससे कुछ नहीं होता है, देश के लिए जान देने के आगे खड़े रहना चाहिए और ऐसी कोई भी चीज कभी जबान से नहीं निकलना चाहिए जिससे जनता के बीच में ऐसी कोई चीज जाए जिससे लगता है कि ये लोग देश के खिलाफ है। जी बात करें सर गंगोत्री ग्रुप को अब क्या करेंगे, पूरे ग्रुप को, गंगोत्री ग्रुप को जो आज यहाँ पे एक नया उन्होंने पहल के, उनको क्या विश करना चाहेंगे? विश करना इनको, मैं इनको दिल की गहराई से बधाई दे रहा हूँ कि इनकी दिन की तरक्की हो और ये समाज के दबे कुचलों के लिए काम करें तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच।